अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आज सुबह उठते साथ था मैंने सबसे पहले मशीन लगाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने वाले, तो मैंने सोचा आज धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई है तो क्यों ना पहले कपड़े ही वॉश कर लिए जाएं। और कपड़े तो मैंने मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे। और सबसे पहले आप आज का वेदर देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और शायद हो सकता है कि वीडियो में आपको अच्छी तरह से मालूम ना हो रहा हो कि कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन इतनी अच्छी धूप थी ना कि मैं काफ़ी देर तक यहाँ बाहर टेरेस में ही बैठी रही। तो कपड़े तो वॉश हो रहे थे और अभी एक और दो राउंड निकल भी आए थे कपड़ों के, तो मैंने सोचा कि पहले अपना ब्रेकफास्ट बना के ले आती हूँ, फिर उसके बाद ही कपड़ों को खंगाल के यहाँ पे डालूँगी। तो मॉर्निंग में ना सारे घर की क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी, आज सुबह होते साथ ही सबसे पहले मैं अपने कामों में लगी थी कि सबसे पहले घर के सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद ही आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। तो क्लीनिंग का काम तो हो चुका है और साथ ही कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। और देखिए कितना प्यारा गुलाब का फूल खिला हुआ है यहाँ टेरेस में। तो यहाँ पे दो तीन गुलाब के फूल बड़े बड़े से खिले थे, लेकिन उनकी पत्तियाँ मुरझा गई थी, कुछ गिर भी गई थी। तो यहाँ पे अब सिर्फ एक ही फूल खिला हुआ है। और टेरेस में बैठ के ना धूप में ब्रेकफास्ट करने का आज काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने सुहांजना के सैंडविच बनाए हैं। तो जब भी हमारे घर में ऐसी सूखी सूखी चीज़ें पकती हैं, आलू गोभी हो गया या आलू मेथी हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें हम लोग पकाते हैं ना, तो नेक्स्ट डे में हम उसके सैंडविच बना के ही खाते हैं। तो यहाँ पे कल परसों का मैंने जो सुहांजना बनाया हुआ था तो उसी के सैंडविच बना के मैं इस वक्त खा रही हूँ, साथ में गरम गरम चाय भी है। तो ब्रेकफास्ट करती जा रही हूँ और इसके बाद मैंने सारे कपड़े वॉश किए, और कपड़े वॉश करते करते ही ना सारा दिन मेरा निकल गया, तो इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो डेली बस ऐसी रूटीन ही नहीं बन रही थी कि मैं साथ साथ वॉश करती जाऊं, और मैं वीकली ही कपड़ों को वॉश करती हूं, लेकिन अब सर्दी चूंकि ज़्यादा हो गई है तो बच्चों के स्वेटर्स वगैरह भी होते हैं, तो दो तीन स्वेटर तो एक दफ़ा में ही बच्चों के उतर आते हैं, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े आज इकट्ठे हो गए थे। तो बस इस वक्त ही मैं कपड़ों को वॉश करके फ्री हुई हूँ, और मैं जैसे ही अंदर आई ना तो बेल हुई थी, और मैं बाहर देखने के लिए गई तो नीचे कोई भी नहीं खड़ा था। तो बस इसी तरह से ही ना बच्चे बेल्स बजा के भाग जाते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं तो बच्चे यूं ही शरारतें करते रहते हैं, कोई नेबर्स में से ही बच्चे बेल बजा के भाग गए थे। तो बस मैं अब अंदर आई हूँ देखने के बाद, टेरेस में मैं गई थी देखने के लिए। मैंने पहले सोचा कि मुर्तज़ा और हनान ट्यूशन से वापस आ गए हैं, लेकिन अभी उनके आने का टाइम तो नहीं हुआ था, और फिर जब मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। तो अब मैं किचन में वापस आ गई हूँ, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। आज डिनर में मैं आलू गोभी बनाने लगी हूँ, तो बस मैं गोभी को ही काटने लगी थी। और आलू गोभी ना जल्दी ही बन जाता है, वैसे अभी मेरा जी चाह रहा था कि थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करूँ, फिर मैंने सोचा कि पहले डिनर बना लेती हूँ, और डिनर बनाने के बाद ना फिर एक ही दफ़ा बैठ के आराम करूँगी। तो इस वक्त ना मुझे थकन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और जी चाह रहा था कि अभी मैं चाय पीऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं गोभी बना के रख लूँ। और इतनी देर में दोबारा बेल हो गई थी, तो मैं देखने के लिए गई तो अब हनान और मुर्तज़ा आए थे, और मैंने ना इन दोनों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि आते साथ ही इनको भूख लग रही होगी तो ये नूडल्स खा लेंगे, तो बस मैंने नूडल्स का एक पैकेट बनाया था, दोनों भाई मिलके ही खा लेंगे। क्योंकि इस वक्त इवनिंग के टाइम पे ये लोग मुझे आजकल डेली कहते हैं कि कोई स्नैक्स वगैरह बना दो, लेकिन फिर मैंने इसलिए आज स्नैक्स नहीं बनाए क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि नूडल्स का जो पैकेट पड़ा हुआ है वही बना देती हूँ इन दोनों के लिए। तो नूडल्स तो मेरे बन गए थे और साथ ही बच्चे भी आ गए थे, तो बस इनके आने के टाइम पे ही मैंने नूडल्स को बनने के लिए रखा हुआ था। और इस वक्त ना सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सुबह मॉर्निंग में तो बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन इस वक्त ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और बस इस वक्त ना हम फिर दरवाज़े क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ठंडक काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है,
तो मैं बच्चों के आने का वेट ही कर रही थी कि ये जैसे ही आते हैं फिर टीवी लाउंज का दरवाज़ा हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ही बहुत ज़्यादा ठंड आती है, टेरेस सारा खुला है, तो जिसकी वजह से सारी सर्दी ही सीधी हमारे कमरों की तरफ ही आती है। तो जैसे ही हम टीवी लाउंज का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो फिर सर्दी भी आनी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पे मैं गोभी ही काट रही थी और मैं इन दोनों से कह रही थी कि अपने नूडल्स खा लें, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म थे तो ये दोनों आके मेरे पास ही खड़े हो गए। और जो ये दोनों ट्यूशन में काम करके आए थे तो वही मैं पूछ रही थी, और ये ट्यूशन में भी ना बहुत ज़्यादा शरारतें करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। तो बस हनान और मुर्तज़ा दोनों मुझे यही बता रहे थे, एक दूसरे की शिकायतें ही लगा रहे थे कि इसने मेरे साथ यूं किया और उसने मेरे साथ यूं किया। तो बस इन दोनों का यही काम है, प्यार भी इन दोनों का बड़ा है और एक मिनट में ये दोनों आपस में झगड़ भी पड़ते हैं। तो बस इसी तरह से ही इनका चलता रहता है। यहाँ पे मैं तो मुसलसल अपनी गोभी ही काट रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ इनकी बातें भी सुनती जाती हूँ और साथ साथ अपने काम भी करती जाती हूँ, इस तरह मैं भी फ्री हो जाऊँगी। बस एक दफ़ा खाने को पकने के लिए रख देना तो इस तरह लगता है जैसे जहन से बोझ सा उतर गया हो, फिर खाना पकता रहता है और हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर खाने को पकने के लिए ना रखा जाए ना तो उतनी देर तक आलस ही रहता है कि अभी हमने खाना भी बनाना है, अभी डिनर भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग से ही मैं कामों में लगी हुई हूँ तो ये काम करके भी मैं फ्री हो जाऊँ। यहाँ पर वो मुसलसल मुझे अपनी बातें ही सुना रहे थे। तो मैं उनकी बातों को सुन भी रही थी और साथ साथ अपने काम भी करती जा रही थी। तो इसी तरह से ही हमारा चल रहा था और यहाँ पे मेरी गोभी बन गई है। तो बस मुर्तज़ा के तो हाथ में कोई ना कोई बात आनी चाहिए, गोभी को पकड़ के उसकी टोकरी लेके ना वो बस हाथों में उसने उठाई हुई थी और मुझे यहाँ पे यही डर लग रहा था कि कहीं ये उलट ही ना जाए तो सारी मेरी गोभी यहीं पे बिखर जाएगी। तो मैंने पकड़ के उसको दूसरी साइड पे रख दिया है और मैंने इन दोनों से कहा कि जाके अब अपने नूडल्स खा लो। तो मुर्तज़ा तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, कह रहा था कि मुझे भूख नहीं लगी तो मैंने तो नूडल्स नहीं खाने। तो बस यहाँ पे मैं तो गोभी ही बनाने लगी थी और मैंने देखा तो आज ऑयल बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ था, तो बस ऑयल को ही मैं कंटेनर में डाल रही थी। और मैं खाना पकाने के लिए ना हमेशा ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। पहले मैं घी को भी यूज़ करती थी, लेकिन फिर काफ़ी अरसे से तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं तो मैं ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, घी में बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए जी जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो गोभी बनाने की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है और जब मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है ना तो मैं अलहदा से प्रेपरेशन करके नहीं रखती, साथ साथ ही चीज़ें बनाती जाती हूँ और साथ साथ ही इसे हंडिया में डालती जाती हूँ। तो यहाँ पे बस ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसी में ही प्याज कट करना शुरू कर दिया। तो एक दरमियाने साइज़ का प्याज ही मैं गोभी में ऐड करती हूँ और प्याज को ना मैं हल्का सा गोल्डन कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी क्योंकि मैं प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं किया करती। इस तरह से ना खानों का कलर ज़्यादा ही सुनहरी हो जाता है, ज़्यादा ही सुरख हो जाता है। तो बस हल्का सा मैंने गोल्डन किया है और साथ ही इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। और आज मेरे पास ना घर में हरी मिर्चें बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी तो मैं गोभी बनाते हुए ना हरी मिर्चों को पीस के भी ऐड करती हूँ, इसके साथ भी बड़े ही मज़े की गोभी बनती है। लेकिन आज चूंकि मेरे पास हरी मिर्चें नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐड भी नहीं की, सिर्फ एक ही हरी मिर्च पड़ी हुई थी घर में। और अब मैं इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, तो मसाले तो वही डलेंगे, नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया। तो बस यही चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो खानों में मैं कभी भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, उनको उनके कुदरती फ्लेवर के साथ ही खाना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करके स्पाइसेस का फ्लेवर ही खानों में आ जाता है। तो मैं हमेशा कम स्पाइसेस के साथ ही खाना बनाती हूँ।
और यहाँ पे ना मुर्तजा ने नूडल्स तो नहीं खाए थे, और वो कल का देख रहा था कि हमारे पास ये पैकेट वाला दूध पड़ा हुआ था, तो बस बच्चों को ना ये पैकेट वाला दूध ही पसंद है, जो फ्रेश दूध होता है उसको तो ये पीना पसंद नहीं करते। तो ये कल का ही लेके ऐसे हाथों में घूम रहा था, कह रहा था कि ये मैं पीऊँगा, और आज भी ना ट्यूशन से आने के बाद इसने नूडल्स नहीं खाए, तो ये मुझे यही कह रहा था कि मुझे पैकेट वाला दूध ही पीना है, मैंने यही पीना है, ये बार बार मुझे आके ना यही कह रहा था। तो अब मैंने इसे ग्लास में डाल दिया है। तो पहले तो मैं हनान से भी पूछ रही थी कि आपने भी पीना है तो आपको भी डाल दूँ, तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं मैंने तो नूडल्स खाए हैं तो मैं तो नहीं पीऊँगा, तो इसलिए मैंने उसका ग्लास हटा दिया है। और अब मैंने देखा तो मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था, तो साथ ही इसमें मैंने गोभी भी ऐड कर दी है। तो गोभी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना मैंने इसे ढक के पकने के लिए रख दिया है, तो थोड़ी देर में ही गोभी में से पानी निकल आएगा, तो इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम हाई ही रखा है ताकि ये ज़्यादा ही सॉफ्ट ना हो जाए। वैसे तो मुझे खड़ी खड़ी गोभी अच्छी लगती है, ज़्यादा घुली हुई गोभी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे बच्चे आज कह रहे थे कि थोड़ी सॉफ्ट करके पकाइएगा, हमें इस तरह से अच्छी लगती है। तो बस मैंने आज सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूंगी। उतनी देर में मैं आलूओं को कट कर रही थी, और आजकल ना आलू बिल्कुल नए आए हुए हैं तो इनको ज़्यादा पील ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का हल्का ही मैंने इनको छुरी के साथ रगड़ा तो सारे छिलके उतर गए थे। आलू भी छोटे छोटे ही थे तो मैंने इनको छोटे टुकड़ों में ही कट कर लिया है। और आलू काटने के बाद ना मैं इन्हें हमेशा पानी में डुबो के रखती हूँ, क्योंकि अगर आलूओं को उस तरह से रख दिया जाए ना तो फिर ये काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आलू ही कट कर रही थी, आलू तो काट लिए हैं मैंने, इनमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि इनका कलर ना बदले। उतनी देर में मैं आपको ये पार्सल दिखाती हूँ। तो ये पार्सल मुझे आज मॉर्निंग में ही मौसूल हुआ था, ये दराज से मैंने मंगवाया है और ये हैंड चॉपर है, तो मैं बस उसी को ओपन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करूं, आपको भी दिखाती हूं कि देखिए मैंने किस तरह का चॉपर मंगवाया है। और पहले तो ना मेरे पास स्ट्रिंग वाला चॉपर था, लेकिन वो छोटा था, इतना बड़ा नहीं था साइज़ में, हैंड चॉपर था वो, बिल्कुल छोटे साइज़ का ही था। तो उसमें मैं ऑमलेट वगैरह के लिए प्याज को चॉप कर लिया करती थी मॉर्निंग में। तो अब मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का मंगवाया है, और इसके रिव्यूज़ ना मुझे दराज पे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने रिव्यूज़ को देखते हुए ही मंगवाया है। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग थी उसकी, काफ़ी अच्छी तरह से पैक करके उन्होंने भेजा हुआ था। और इस दफ़ा ना मैंने स्ट्रिंग वाला चॉपर नहीं मंगवाया, क्योंकि लास्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा, उसकी स्ट्रिंग टूट गई थी तो वो चॉपर मैंने फेंक ही दिया। हालांकि फिर बाद में मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि उसकी स्ट्रिंग पड़ जाती है नहीं, लेकिन मैं उसको तब तक थ्रो कर चुकी थी, लेकिन वो वैसे भी बहुत छोटा था और प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा हल्का था, तो अब क्या किया जा सकता है, उसको तो मैं फेंक चुकी हूँ। तो ये चॉपर मैंने मंगवाया है क्योंकि अक्सर किचन में ज़रूरत पड़ती रहती है, एक या दो प्याज चॉप करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए ये ठीक रहेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसके ब्लेड्स को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, तो मुझे देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी शार्प इसके ब्लेड्स लग रहे थे। और इसी तरह से ये जो उसका बाउल था, तो इसका प्लास्टिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा देखने में मुझे पायदार लग रहा था। और इसके नीचे ना इन्होंने रबड़ का एक बैंड सा दिया था, तो वो इसके साथ लगाया जाएगा। तो बस मैं इसी बाउल को चेक कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये मज़बूत लगा, इसके ब्लेड्स भी काफ़ी ज़्यादा मुझे शार्प लगे, तो मैंने सारे ब्लेड्स के कवर्स को उतार दिया है। मैंने कहा एक दफ़ा हम ट्राई तो करते हैं कि ये किस तरह का है। और इसके साथ ही इन्होंने रबर का एक ये स्टैंड भी दिया हुआ था, तो ये इसके साथ ऐसे जोड़ना था, तो इसकी वजह से जब हम चीज़ों को चॉप करेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे स्टिल ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये मुझे इसकी बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, और ये क्वालिटी वाइज भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा चॉपर था, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस दराज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो मैं इसका रबर बैंड ही चढ़ा रही थी और इसको ना काफ़ी खींच के चढ़ाना पड़ रहा था, तो इसमें मुझे थोड़े 1 से 2 मिनट लग गए थे। और जब मैंने देखा ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई बात कि ये इन्होंने अच्छा एक तरीका दिया है, इसके साथ ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं,
तो इसका कैप वगैरह भी ना, ये भी सब अच्छी क्वालिटी का ही था। और इसके ऊपर जो ये स्टैंड था, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसको खुलने के लिए ना इसका यहाँ पे बटन था, तो इसके ज़रिए ना हम इसके स्टैंड को खोल सकते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यू बात थी, ये मुझे काफ़ी पसंद आई ये बात। तो ये चॉपर ना काफ़ी अच्छा मुझे लगा, देखने में भी अच्छा लग रहा था और कलर भी अच्छा था, तो मुझे तो ये हर तरह से ही पसंद आया है। तो इसे मैंने अपने किचन में रख दिया है यहाँ पे सामने ही, तो अब मैं इसे वॉश करके रखूँगी। वैसे अभी मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे रख दिया है, और इतनी देर में ही मैंने देखा तो यहाँ पे गोभी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू भी मैंने छोटे छोटे काट के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये भी फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी आजकल के आलू गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से ही गल जाते हैं, तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ। 5 से 7 मिनट में ही ये गल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा डिनर तैयार हो गया है। आलू गोभी बड़ी ही मज़े की लग रही है, और खाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा मज़े की हुई थी। और साथ ही मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो मैंने सोचा साथ ही रोटियाँ भी बनाती जाती हूँ। आलू गोभी भी गर्म गर्म है, साथ ही गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं और अपना आज का मज़ेदार सा डिनर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।